हेलो फ्रेंड, सेहत ज्योति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे सिक्स मंथ ऑफ प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था का छठा महीना। इससे पहले की वीडियो में हमने जाना था कि पांचवें मंथ में बच्चा पेट के अंदर कितना विकास कर चुका होता है, और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि छठे महीने में बच्चा पेट के अंदर कितना विकास कर चुका होता है और उसमें कितनी चेंजिंग आ गई होती हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल सेहत ज्योति को और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि इस चैनल की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड, जैसे ही एक प्रेग्नेंट महिला सिक्स मंथ ऑफ प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था के छठे महीने में पहुँचती है, उन्हें अपने गर्भ में पल रहे प्यारे से बच्चे का पेट के अंदर लात मारना या फिर कुछ हलचल करने जैसा प्यारा सा सुखद एहसास होना शुरू हो जाता है, जिसका इंतजार वो गर्भधारण के बाद से ही करना शुरू कर देती हैं। हालांकि बच्चे की लात मारने को तो वह पांचवें महीने से ही महसूस करने लग जाती हैं, पर सिक्स मंथ ऑफ प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था के छठे महीने में बच्चे का लात मारना, करवटे लेना और भी ज्यादा तेजी से शुरू हो जाता है, जो स्पष्ट रूप से प्रेग्नेंट महिला महसूस कर सकती हैं। फ्रेंड, छठे महीने में बच्चे के वजन के साथ साथ उसकी लंबाई भी बढ़ जाती है। इस महीने के अंत तक शिशु का वजन 900 ग्राम के आसपास होता है और उसकी लंबाई 12 इंच के आसपास होती है। इस महीने के अंत तक शिशु का सिर शरीर के अन्य हिस्सों के मुकाबले अभी भी बड़ा ही होता है। इस महीने में शिशु की उंगलियां और नाखून अच्छी तरह से विकसित हो जाते हैं, जो अल्ट्रासाउंड के जरिए देखे भी जा सकते हैं। वैसे तो इस समय तक शिशु के सारे अंग बन गए होते हैं, पर फेफड़ों को मजबूत होने में अभी भी वक्त होता है। फिर प्रेग्नेंट महिलाओं को बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि इस समय उनके गर्भ में पल रहा शिशु बाहर की आवाजों को सुनना शुरू कर देता है, इसलिए इस समय महिलाओं को तनाव मुक्त और अच्छे वातावरण में रहना चाहिए, जो उनके शिशु के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस महीने में अपने बच्चे के अच्छे विकास के लिए गर्भवती महिला को अपने भोजन में भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इस महीने में महिलाओं के बॉडी में आयरन की कमी अक्सर हो जाती है, इसलिए उन्हें अपने आहार में आयरन से भरपूर चीजों को शामिल करना चाहिए, जिससे उनके बॉडी में आयरन की कमी न हो। महिलाओं को अक्सर प्रेगनेंसी में कब्ज की शिकायत भी होती रहती है। इसे दूर करने के लिए उन्हें चाहिए कि वो फाइबर युक्त आहार का भरपूर सेवन करें और साथ ही वो इस महीने अपने शरीर में विटामिन सी की भी कमी ना होने दें और अपने भोजन में विटामिन सी युक्त आहार शामिल करें, जिसमें संतरा, ब्रोकली, टमाटर, खजूर को अवश्य ही शामिल करें। फ्रेंड, ये तो थे छठे महीने के शिशु के विकास से रिलेटेड कुछ बातें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।